क्या कह रहे थे तुम दोनों आपस में? ठटरी के बरे हैं न कटाहरो, तुम्हें का लगा हमें सुनाई नहीं देता? हम बहरा थोड़ी है, आइए नजदीक, क्या समाधान आप चाहते? जी क्यों नहीं है? क्या बताया डॉक्टर ने? गांठ बन रही है, सूजन नहीं है, गांठ। वो गांठ बहुत बड़ी बन रही है यूरेटस में, गर्भाशय में। पहली बात तो ये कि आप बच्चे पहले चाहते नहीं थे, क्योंकि आप एक दूसरे को, दोनों को नहीं चाहते थे। क्लेश आपस में बना था, एक दूसरे से समर्पित नहीं थे। पुरानी बातों को, चरित्र को लेकर के विवाद बन जाता था। छोटी छोटी परिवार को लेकर के आपके विवाद बने थे। ये पूरा विषय हमने आपका लिख करके रखा। फिर धाम पर आने के बाद कहा बाबा जी जानते हैं तो हम इनके चरणों में जुड़ेंगे जीवन भर, और पुरानी बातें नहीं बोलेंगे, पुरानी चर्चाएं नहीं करेंगे, और बाबा जी इतना जानते हैं तो वो हमें संकेत करेंगे तो हम चेला इनके बनेंगे और इनकी ही दीक्षा लेंगे। अगर ये अपने मुंह से ये बातें कहेंगे तो हमारा भरोसा और बढ़ जाएगा, ऐसा ठटरी के वरी तुमने कहा था। आया ना, माई बाई फाई वेरी हाई फाई। अब गर्भाशय में गांठ बनी, काम में रुकावट, परिवार भी पीछे लगा हुआ है, जिस कारण से अब वो बात बोलने योग नहीं है। दोनों पक्ष विचित्र हैं, इनकी भी बुद्धि विचित्र है, इनके भी परिवार वाले इनको बीच में भर रहे थे, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा था। अब दोनों लोग आज से प्रेम पूर्वक रहो, अलग नहीं होना है। एक अर्जी और जो तुमने लगाई थी कि अगर जीवन चलना है तो जोड़ें, नहीं तो रास्ता दे देवे, आप दोनों का जीवन चलना है और तुम्हारे घर पर संतान योग भी है और ऑपरेशन भी नहीं होगा। डॉक्टरी सलाह चलाना है, बिजनेस वाला देखा नहीं, हमें एक मिनट देखना पड़ेगा। राम एक आध बार उन्हें ले आना, अच्छा आप काम डाले हुए हैं व्यापार पर, जांच वाला, क्या नाम था? राधा व्यापार, डॉक्टर लैब आपने डाली हुई थी जिसमें जांचें करते थे। जाओ, बालाजी कृपा करेंगे, अभी बंद की स्थिति में है, नौबत बहुत विचित्र स्थिति आ गई है, क्लोज स्थिति आ गई है, बदलना नहीं, पुनर्स्टार्ट करना है, आज्ञा है और आशीर्वाद है। इसी रास्ते में, हाँ वो अभी अभी आपको इसे डाले रहना चाहिए, इसको आप फ्रेंचाइजी बनवाइए, इसको पुनर्विस्थापित करना, क्योंकि अभी आय के स्रोत भी गड़बड़ा रहे हैं। अभी एक जगह आपको इकट्ठे रुपया भी देना है 470,000, वो कहां से दोगे? तो इसलिए आपको काम करना पड़ेगा। उधारी का क्रम एक जगह से आप पूरा कर चुके हो तो उनका भी चुकाना है, वो भी क्लेश मचाएंगे, इसलिए आपको व्यापार डालना है। व्यापार से ही रास्ते खुलेंगे, फिर तुम्हारी नौकरी इंतजार कर रही है, एक महीना की वेतन हमें दे दियो, आशीर्वाद है। जय सियाराम। कोई संदेह? ठीक है, साइड में डाल दो, आ गया, खतरा खा जाओ, आने दो, चरण अभी नहीं, पहले चेला बनो तब।
अभी आज ही तो, अभी तुमने तो अभी नया नया मुंह चलाया है, पक्के चेला तो बनो, अभी तो मुंह ही चलाया है। पहले श्रद्धा जागे तो फिर लेकर पड़वा ले भी। अब न पकड़े रहियो बालाजी, नियम ना चूकियो ठटरी के बारे। जय माइक ले लो। साधु जी, साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सतगुरु महाराज की, गुरु जी के वाईफाई की, काय की, आपके वाईफाई की, वाईफाई की जय बोलती कहीं, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी के, बोलिए क्या समाधान चाहिए। गुरु जी मेरा सबसे बड़ा सवाल तो मेरे बेटे को लेकर है कि इसके ऐसे कौन से कर्म है, या हमारे ऐसे कौन से कर्म इस जन्म के या पिछले जन्म के कि इस कारण से ये ऐसा पैदा हुआ। और दूसरा क्या हो गया इसको, ये जन्मजात ही, मतलब इसको कोई सिंड्रोम बताया डॉक्टर ने, कॉर्निलिया डी लेंस सिंड्रोम, जिसका विश्व में कहीं भी इलाज नहीं है। क्या हो जाता है इससे? इससे ये 11 साल का है लेकिन देखने में 3-4 साल का दिखता है, और मानसिक विकृति है इसकी। और ये है कि हमारे घर में पितर है या नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं आपके पितर है, आप परेशान रहे, तो कई लोग कहते हैं नहीं है। पढ़े लिखे हैं जी? उत्तर आया पर्चे। दो सवाल और है मेरे गुरु जी। एक और पूछ लो लास्ट। एक मेरा काम धंधा ना बेईमानी वाला काम है, मुझे उसमें बेईमानी करनी पड़ती है गुरु जी। तो मैं, हाँ गुरु जी, मैं सबके सामने स्वीकार करता हूँ कि जो मैं काम करता हूँ वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बेईमानी वाला काम है। बदल देना चाहिए बेईमानी वाला, क्यों? अब आप आज्ञा करो क्या काम करो गुरु जी। पढ़ो। बेटा को जन्मजात से ही समस्या मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि आयु से पीछे चल रहा, ब्रेन के सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, भूख बद्धता एवं रोग बना हुआ है। दूसरा प्रश्न पूछा था तो पितृ दोष का कारण है, पितृदोष के ही कारण यह बालक हुआ है, उन्हीं के दुष्प्रभाव के कारण इस बालक को समस्या है, ला इलाज रोग बना हुआ है, आर्थिक तंगी जूझती है, बिजनेस बदलना चाहिए, व्यापार अलग करना चाहिए, अलग व्यापार आप थोक में वस्त्रों का डालें, उच्चता पाओगे, सफलता पाओगे, आपका बालक 25% मंत्र चिकित्सा से धाम से स्वस्थ होगा, पूरा ठीक नहीं होगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरु जी। बराबर जी, एक प्रश्न और था गुरु जी। नहीं वो अगली बार, मेरे साथ में इसकी मम्मी पापा भी, अगर आप ही कृपा तो बुला लो उन्हें गुरु जी। नहीं बुला पाऊंगा, आप कृपा करें उन पे। प्रणाम गुरु जी। श्री सीताराम भगवान की। गुरु जी मेरे भी कुछ प्रश्न है। वो बाद में बेटा, अर्जी में मम्मी पापा बहुत परेशान है गुरु जी, कृपा कर दो उसकी, बहुत परेशान। वो तो दरबार में अर्जी लगी। अरे हम इनके साथ ही हैं। हाँ, हमसे आप कवच लेंगे, इनको मंत्र चिकित्सा करेंगे हम, अभी हम भभूति दे रहे हैं, 3 दिन की अखंड ज्योति जलानी है, और पितरों का उपाय आप एक बार गया जी में पिंडदान करवा लेना। ये कौन है, मेरे पता नहीं चल रहा है कौन है। सभी के निमित्त, किसी एक के निमित्त नहीं, सभी के निमित्त। हाँ, मेरे पिताजी पितर हैं तो आपके यहाँ 4, पर उनकी तो अकाल मृत्यु हुई है, आपके पिताजी की तो अकाल मृत्यु हुई है, अचानक से मृत्यु हुई थी, हार्ट की दिक्कत बन गई थी और पूरे शरीर में समस्या हो गई थी, फिर रोग भी बन गया था, बीच में स्वप्न भी दिखाई देते हैं, आपका मन भी खिन्न रहता है क्योंकि उनके प्रति आप अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाए हैं, ना उनकी कोई नित्य नियम सेवा कर पाए हैं, ना उनको प्रसन्न रख पाए हैं, जब तक आप बड़े भय तब तक ऐसी स्थिति हो गई है, तो इसमें तो अकाल मृत्यु आई है और पितृदोष तो आया ही है, पर ये भी घूम रहे हैं पितृ रूप में, तो आपको इनका भी उपाय करवाना चाहिए। पिताजी को कैसे प्रसन्न कर सकूं, अब उनकी आत्मा को कैसे शांति मिले? गया पिंडदान। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। हाँ, सुबह 7 बजे बैठ गए थे यहाँ। वाह, चलो भोजन कर लो जाकर। भोजन नहीं किया? छू लो।